मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा में ट्रैफिक जाम होना ये आम बात हो गई है, मगर ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए मनपा अधिकारी धनंजय गोसावी, सागर सालुंखे और शानू पठान ने आज शिमला पार्क में जो वाई जंक्शन के तरफ दुकानों के सामने जाने वाला सर्विस रोड है उसे आज खाली कराया गया। यहाँ पर जो भंगार पड़ी हुई गाड़ियाँ थी वो हटाया गया और इस सर्विस रोड पर जो छोटे छोटे सीमेंट के टप्पे बने हुए थे वो सभी जेसीपी लगाकर यहाँ से तोड़ा गया है। मनपा अधिकारियों का कहना है कि इस सर्विस रोड के शुरू हो जाने से शिमला पार्क पर जो नाके पर ट्रैफिक जाम होती है उससे कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलेगी। बहरहाल शानू पठान ने क्या कुछ कहा है सुनिए। शानू भाई, बड़ी संख्या में मुंब्रा की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो रही है और आज यहाँ शिमला पार्क के तरफ मनपा के अधिकारियों के साथ आप यहां पर है। ये सर्विस रोड का देखा जा रहा है, यहां पर साफ सफाई चालू किया गया है, क्या ये सर्विस रोड अब शुरुआत की जा रही है इसकी? देखिए कैसा है कि रमज़ान का महीना था और आखिरी अशरे में लोग जो शहर के अंदर है काफ़ी हद तक क्राउड ज़्यादा हो रहा है और बाहर के लोग भी मुंब्रा के अंदर ही मार्केट में आते थे, इससे फोर व्हीलर टू व्हीलर और लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। बाहर के लोग शॉपिंग करने आ रहे, खाने पीने के लिए आते, मुंब्रा के जो मुंब्रा में जो बाज़ार है उनको देखने आते, इसी को मद्देनज़र रखते हुए ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा लोड है। कौसा शिमला पार्क के अंदर हमारे पत्रकार लोगों से चर्चा हुई, आप सबसे चर्चा के बाद यहाँ के नगर को स्थानीय उनसे बात करने के बाद ये तय हुआ कि कम से कम टेम्पररी ये सर्विस रोड को शुरू किया जाए, जिसके लिए हम लोग TMC के अधिकारी, ट्रैफिक विभाग के अधिकारी यहाँ पर आ रहे और अभी हम लोग यहाँ पर खासतौर से टेम्पररी ट्रैफिक को यहाँ से डाइवर्ट करेंगे ताकि जो ब्लॉकेज होता है, ब्लॉक होता है शिमला पार्क के नाके पे, उससे काफ़ी हद तक कम हो जाए और शहर के अंदर ये कौसा के प्रभाग में ट्रैफिक की समस्या कम हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। इलीगल पार्किंग होती है, अपन क्या बोल रहे हैं? इलीगल पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे पास टोइंग नहीं, टोइंग निपटने होने के कारण दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। टोइंग का डिपार्टमेंट, टोइंग की गाड़ी लेने के लिए हमने पत्र व्यवहार किया था, लेकिन आपको मालूम है थाने महानगर पालिका की बॉडी नहीं है, लोक प्रतिनिधि वहाँ बैठ रहे नहीं है, किसी ने कहीं ना कहीं से लोगों के जो सवाल है, लोगों की शिकायत है, उसमें प्रशासन के जरिए देरी हो रही है। डॉक्टर जितेंद्र अवाल जी सीनियर का कहना रहता है कि हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं कि हम टो करके गाड़ी, मैंने सीनियर को सुझाव दे चुका हूँ, मित्तल के अंदर आप लोग चाहे, आपके माध्यम से भी मैं बोल रहा हूँ, मित्तल के अंदर आप चाहे तो डंप कर सकते हैं।